गाइज इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा अच्छा है, बस थोड़ा सा अच्छा है। इससे पिछला वाला क्वेश्चन करा रखा उससे थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन भाई कर दोगे आप? आपसे क्या कह रहा है, जैसे कह दे वैसे करते चले जाओ, आपका कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। जैसे कहे आपसे कह रहा, अ वेक्टर एक्स व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी, एक्स को हमने ऐड किया है ए और बी के रिजल्टेंट में, तो पहले तो आपको ए और बी का रिजल्टेंट निकालना होगा, उसमें आपको एक्स को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, एक्स ऐड करने के बाद क्या मिला, गिव्स देता है अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जो ऐड करने में मिला है आपको वो यूनिट वेक्टर मिला है वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये आपको अब पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे होता है, जबकि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई होता है। ये सब आपको पता है, तो इसका मतलब आपको जो मिला है वो जे मिला है। तो हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सिंपल सा, सबसे पहले आपको क्या करना, आपको ए और बी का रिजल्टेंट निकालना। तो आप निकालोगे रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो निकालो रिजल्टेंट, वो क्या हो जाएगा आपके पास, आर वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर कितना, 3i माइनस का 5j प्लस का 7k प्लस, बी कितना आपके पास, बी 2i प्लस का 4j माइनस का 3k। ठीक है भाई, आर सॉल्व कर रहे हैं, निकालो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई में आई ऐड करोगे, आई में आई ऐड किया कितना होगा, 3 और तो 5i, जे में जे ऐड करोगे 4j प्लस का माइनस के 5j, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, ये एक ये है और एक ये है, तो ये माइनस का जे बचेगा। अब के वाले का नंबर है, के वाला कौन कौन सा है, एक के ये है और एक के ये, तो ये 7k प्लस का है, ये माइनस का 3k है, तो प्लस का 4k रह गया। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट हो गया। तो हमने क्या रखा है कि एक्स को जो है वो इन दोनों के रिजल्टेंट में ऐड करना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आपने एक्स को ऐड किया रिजल्टेंट में तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिला अलोंग वाई एक्सिस, तो जो इनका रिजल्टेंट है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो भाई जे काम करता है, तो आपने जे लिख दिया। ठीक है, तो एक्स पूछ रहा है, ठीक है एक्स ऐसे ही रहने देते हैं, जरा आर वेक्टर की वैल्यू लिखो, आर वेक्टर की वैल्यू आपके सामने कितनी है, 5i माइनस का जे प्लस 4k। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत आ रही है तो भाई आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा होगा, वहां जाके आप जरूर पूछें, ये आपका डाउट है और आपको ही पूछना है, कोई दूसरा नहीं पूछेगा। एक्स जब आपको एक्स निकालना हो तो इस पूरी टर्म को इधर को ले आओ, माइनस की हो जाएगी, तो जे इधर प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 5i, और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा जे, और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा 4k। बचा क्या है आपके पास, इधर बचा आपके पास एक्स वेक्टर। ठीक है, ये जे प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का 2j हो जाएंगे, 2j, तो i वाला पहले लिखा जाता, तो माइनस का 5i प्लस 2j, और k वाला आपके पास एक ही है, माइनस का 4k, ये आपके पास एक्स वेक्टर निकल कर आ चुका, बस यही पूछा था। ठीक है, तो एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, दिख रही होगी एक बार फिर से, आई वाला पहले लिख दिया माइनस के 5i, जे वाला एक जे ये है, एक जे ये है, प्लस का 2j, और के वाला माइनस का 4k आपके सामने आ चुका है। तो आंसर क्या है आपके पास, माइनस का 5i प्लस का 2j और माइनस का 4k, यही आंसर है। तो कोई टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लगातार प्रैक्टिस करते रहो आपको स्ट्रॉन्ग बना देगी भाई ये फिजिक्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये कोई टफ नहीं है, इजी है, लगातार बने रहें, समझ में आने शुरू हो जाएंगे चीज़ें।